शुक्रवार को छतरपुर शहर में मौजूद नगरपालिका के लगभग 15 सार्वजनिक शौचालयों में भगनी निवेदिता सामाजिक संस्था के द्वारा सैनिटरी बॉक्स उपलब्ध कराए गए। इन सैनिटरी बॉक्स के माध्यम से महिलाओं को यहां निशुल्क नैपकिन मिल सकेंगे। महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था भगनी निवेदिता ने नगरपालिका के साथ इस अनूठे कार्य को किया। इस दौरान नगरपालिका की अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया मौजूद रहे। ओमपाल सिंह भदौरिया ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। भगनी निवेदिता समूह के द्वारा ये छतरपुर नगरपालिका को ये नैपकिन मशीन जो है प्रोवाइड कराई गई है निःशुल्क। सभी 15 शौचालयों के लिए ये मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है, तो इन्हीं को इंस्टॉल कराने के लिए यहाँ पर अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम, सिटी मिशन मैनेजर और नोडल अधिकारी और हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आयोजन के दौरान भगनी निवेदिता सामाजिक संस्था के मोहसिन खान ने बताया कि इस प्रयास के माध्यम से हम सार्वजनिक शौचालयों में आने वाली महिलाओं को निशुल्क नैपकिन उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। आज जो ये अभियान हुआ है ये धन्यवाद का पात्र है, और चूंकि ये महिलाओं से संबंधित है तो गर्वान्वित भी है, और इसमें हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर महिला की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बच्चियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे हम अपने नगर पालिका को सहयोग दे सके, स्वच्छता की ओर सहयोग दे सके। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएँ और अपने नगर पालिका को, अपने ज़िले को स्वच्छता अभियान की ओर नंबर वन पे ले जाए। इस प्रयास को लेकर महिलाओं ने भी इस संस्था और नगरपालिका की तारीफ की। सामाजिक कार्यकर्ता नीलम पांडे ने बताया कि ये महिलाओं के लिए एक अनूठा कदम है। कार्यक्रम के दौरान अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी यहां मौजूद रहे। जी को ध्यान में रखते हुए और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, टॉयलेट 2.0 अभियान को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद छतरपुर के लगभग 13 से 15 टॉयलेट्स में हमने सैनिटरी बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमने ये सैनिटरी बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें महिलाएं निशुल्क सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी रिफिलिंग की व्यवस्था भी हमारी संस्था द्वारा निरंतर की जाएगी।